रूस यूक्रेन जंग के बीच किसने तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की धमकी दी? जर्मनी के लेपर्ड टैंक को लेकर क्या बड़ा बयान सामने आया और कौन सा देश जंग के लिए नई बटालियन तैयार कर रहा है? रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं रूस यूक्रेन टॉप नाइन। यूक्रेन को अमेरिका से अब्राम्स टैंक मिलने से रूस भड़का हुआ है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने नाटो को धमकी देते हुए कहा कि लंबी दूरी के इन हथियार का मतलब है विश्व युद्ध का छिड़ना, जिसके बाद नाटो रूस के बीच सीधी जंग की आशंका बढ़ गई है। जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान का रूस ने दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्री का दावा है कि सितंबर महीने में 17,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है और 27,000 यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह हो चुके हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार अब रूस के टारगेट पर है। बखमुट में यूक्रेनी सेना रूस के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। यूक्रेनी फोर्स को रोकने के लिए रूस भी घातक पलटवार कर रहा है। बखमुट में रूस ने ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना के ट्रक को निशाना बनाया, जिसमें यूक्रेनी सेना के हथियार तबाह हो गए। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस रूस के साथ खड़ा है। बेलारूस में रूस अपना जंगी काफिला बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि अब बेलारूस एक नई बटालियन बना रहा है, जिसमें नाटो देशों के पूर्वाधिकारी भी शामिल हैं। इसे यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए उसे कई घातक हथियार मुहैया कराए हैं। M88 रिकवरी वाहन भी दिए थे, जिसके जरिए ज़ापोरिज़्या में एक क्षतिग्रस्त M2A2 ब्रैडली व्हीकल को रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया है। नाटो देशों से यूक्रेन को मिल रहे हथियार रूस की आंखों में चुभ रहे हैं। जहां भी मौका मिल रहा है रूस नाटो हथियार तबाह कर रहा है। एक बार फिर यूक्रेन को नाटो से मिले हथियारों पर रूस ने भीषण बमबारी की है, जिसमें हथियारों की पूरी खेप तबाह हो गई। यूक्रेनी मिसाइल हमले में रूसी नेवी कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव और उनके 34 अधिकारियों के मारे जाने का यूक्रेन ने दावा किया था। रूसी अधिकारियों की मीटिंग के दौरान विक्टर सोकोलोव का वीडियो रिलीज करते हुए चर्चा की गई। हमला क्रिमिया में किया गया था। जर्मनी से यूक्रेन को मिले हथियारों पर बड़ा खुलासा हुआ है। जर्मनी की विदेश मंत्री ने माना है कि यूक्रेन भेजे गए लेपर्ड टैंक कबाड़ थे। इससे पहले यूक्रेन ने भी जर्मनी के टैंकों को कबाड़ बताते हुए 10 लेपर्ड टैंकों को लेने से मना कर दिया था। यूक्रेन में जंग के दौरान महिला अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पेश की गई। यूएन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि खेरसोन में रूसी सैनिकों ने 19 से 83 साल तक महिलाओं का यौन शोषण किया। अपराध से जुड़े सबूत भी इकट्ठा किए हैं।